छपरा नगर निगम चुनाव अंतिम चरण पर अब तक वही प्रत्याशियों ने तरह तरह के लुभावने वादों के साथ नामांकन भरने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। वही आज दर्जनों प्रत्याशियों ने मेयर उपमेयर और वार्ड पार्षद के लिए अपना अपना नामांकन पत्र। सभी प्रत्याशियों का मुख्य मुद्दा शहर के विकास एवं शहर में जनजमाव का मुख्य मुद्दा दिखा। सभी ने शहर में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने एवं लोगों को सही ढंग से सरकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के वायदे किए। वहीं वार्ड 39 के युवा प्रत्याशी हेमंत कुमार ने भी आज अपना नामांकन और पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने वार्ड 39 में जलजमाव को अपना मुख्य मुद्दा बताते हुए चुनाव लड़ने के लिए कमर कसी। कैसे जीत होगी तुम्हारी? अच्छा लग रहा है, गाँव के लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार दुलार मिल रहा है। समस्या बहुत ज़्यादा है, समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको मेरे तरफ से इतना भरपूर प्रयास रहेगा उसको किया जाएगा। जितने भी काम वार्ड में बाकी है उसका समर्थन देगी, जीतने के बाद सब पूरा करेंगे। मेयर पद के लिए चुनाव आपने नामांकन किया है, आप भाजपा के भी नेता हैं, नगर अध्यक्ष हैं, पार्टी के नगर के अध्यक्ष हैं, और नगर के अध्यक्ष होने के नाते इस पद का चुनाव हम जिस नगर में चुनाव हो रहा है मेयर का, उस नगर के मेयर के लिए हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ का सबसे मेरा सबसे वाइटल मुद्दा होगा कि कचरा प्रबंधन। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी की बात करें तो काफ़ी आपको लोगों का सामना करना पड़ेगा, मैदान में काफ़ी लोग खड़े हैं। हाँ, काफ़ी लोग खड़े हैं, लेकिन किसी से मेरा कोई सामना। आप अपने जीत के प्रति क्या एकदम आश्वस्त है, 100% हमारी जीत होगी, और लोगों ने मन मना चुका है और लोग आशीर्वाद दे चुके हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं ईश्वर कुमार, आप छपरा डिप्टी मेयर पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लगता है किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब नगर ये परिषद था, नगर निगम में, जब नगर निगम होने के बाद कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। मेरा बचपन से ही पॉलिटिकल अनुभव 15 साल से है। मैं यहाँ पर आऊँगा तो सबसे पहले जो रोड का नक्शा का मैप है उसे हर वार्ड में आपका सरकारी जमीन है, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि हर वार्ड में एक पार्क बन जाए, ताकि जितने गरीब गुरबे लोग हैं उनके घर पर कोई देखने या बच्चा पढ़ने के लिए बैठने के। छपरा में ड्रेनेज सिस्टम फेल है, जल निकासी नहीं है, बारिश होने पर लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? इसीलिए तब सबसे पहले नहीं बोलेंगे, सबसे पहले कोई रोड जो बन रहा है, मान लीजिए कि 15 नंबर वार्ड का और 16 नंबर वार्ड का पानी जो निकासी है, कोई रोड मैप यहाँ पर अभी नहीं है। सबसे पहले हम लोग जीतने के बाद एक नक्शा बनेगा, एक रोड मैप बनेगा, उसके बाद कोई नाला या रोड का निर्माण तभी होगा, तभी। क्या लगता है आपके अपने जीत के प्रति क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो 15 साल से बचपन से ही समाज के बीच में ही 15 साल मैं रहा हूँ, पूरे जनता सब समाज सारे समाज के लोगों का समर्थन से ही मैं डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ा। ने पर्चा भरा है 41 वार्ड से, हमने पर्चा भरा है 41 वार्ड से। क्या क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है वहाँ सबसे बड़ा आपको विकास का, विकास का कुछ दूर तक नहीं हुआ है, जैसे राशन कार्ड, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, विकलांग पेंशन, माने बहुत दूर दूर तक नहीं हुआ, लोग 15 साल से वहाँ त्रस्त है। इसी को देखते हुए जनता ने समर्थन किया और हम इस बात के लिए अपने नामांकन के लिए विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश चौधरी।